सीरियस शादी मुबारक की बात करें तो आज का एपिसोड खास होने वाला है। आज आप देखेंगे कि जो केटी है वो अपने घर पर 50 लाख का चेक लेकर जाता है और कहता है कि पहला प्रोजेक्ट उसे मिल गया है। घर वाले बेहद खुश है, घर वाले पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। तो वहीं केटी की माँ कह रही है कि मैं तो आज अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, यानी कि दाल बाटी चूरमा। अब इसके बाद आपको बताते चले कि एक काढ़ा भी बनाया जाता है खास केटी के लिए। लेकिन केटी कहता है कि प्रीति जी का भी गला ठीक नहीं है, आप इसमें ज़्यादा शहद डाल दो और काढ़ा ज़्यादा बना दो, मैं उनके घर लेकर इसे जाऊँगा और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि हमें प्रोजेक्ट मिल गया है और 50 लाख का चेक भी। अब आपको बताते चले कि वो काढ़ा लेकर पहुंच जाता है केटी प्रीति के घर पर, जहां वो देखता है कि प्रीति तो बड़े आराम से बात कर रही है। और अब केटी ये सोचता है कि आखिर जब प्रीति का गला ठीक था तो उसने झूठ क्यों बोला, वो क्यों नहीं मेरे साथ गई। फिर उसके हाथों से काढ़ा वहीं छूट जाता है और केटी वहां से चला जाता है। अब आपको बताते चले कि इधर रति के घर पर जो औरतें आई थी जो रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स का बोर्ड लेकर, अब जो है ये जब बात प्रीति को मालूम चलती है तो प्रीति उन औरतों को घर बुलाती है और समझाती है, कहती है कि इसमें मेरी बहू की कोई गलती नहीं है, गलती तो बेटे की है, बेटे ने कभी मुझे समझा ही नहीं, बहू तो दूसरे घर से आई है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि बहू के आने पर घर खत्म हो गया, घर तबाह हो गया, लेकिन बेटे का कान इतना कच्चा है कि वो बहू की बात मान लेता है, तो गलती तो बेटे की है ना, बहू की नहीं है। इसके बाद वो औरतें जाकर माफ़ी मांगती है रितिका से और रितिका को ऐसा लगता है कि उसने अपनी सास को डराया धमकाया इसलिए उसकी सास ने ये सब किया। इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि अब दूसरे दिन प्रीति ऑफिस पहुंचती है जहां केटी पहले से पहुंचा होता है। केटी को देखकर प्रीति चौंक जाती है और कहती है अरे वाह, आज तो आप मुझसे पहले भी पहुंच गए। अब इसे यहाँ पर केटी ये कहता है प्रीति से कि प्रीति जी, प्रीति पार्टनर, आपने मुझे धोखा दिया, आप मुझे ये बताइए कि जब आपका गला ठीक था तो आप मेरे साथ गई क्यों नहीं, आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया, आपको पता है कि मुझे धोखा पसंद बिल्कुल भी नहीं है। प्रीति कुछ बोलती उसके पहले ये एपिसोड खत्म हो जाएगा और फिर आप आने वाले हफ्ते में ये देखेंगे कि जब केटी परेशान घर जाएगा तो वहां पर केटी की माँ एक फोटो दिखाती है। जी हाँ, ये फोटो चंदा और प्रीति की साथ की होती है। इस फोटो को दिखाने के बाद केटी की माँ ये कहती है, मैं तो शुरू से कह रही थी कि ये जो औरत है सही नहीं है, इस औरत के दिल और दिमाग में कुछ और चलता रहता है। वल आपको बताते चले कि अब केटी एक बहुत बड़ा फैसला ले लेगा, क्या फैसला लेता है ये हम आपको बताएंगे अपने अगले रिपोर्ट में, इसलिए आप हमारे अगले रिपोर्ट का इंतजार जरूर करेंगे कि हम एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।